मैं नवाज शरीफ जो टीओआरस सारी ऑपोजिशन ने जितनी भी असेंबली में ऑपोजिशन है जिसने वो टीओआरस बनाए हैं मैं चाहता हूं कि अभी भी आप उन पर मान जाए। अगर वो टीओआरस में सिर्फ चार सवाल के जवाब दे दे, चार सवाल के जवाब दे दे और ये सुनने सवाल क्या है आप मुझे इसके बाद बताना कि क्या मैं ये कोई मुस्बत बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। मैं जब चार सवाल पूछूंगा, नंबर वन, मियां साहब अगर आप कहते हैं कि आपने हलाल के पैसे से वो पार्क लेन की अपार्टमेंट्स खरीदी हैं, एक सोलिसिटर का खत और एक लेटर होता है जो आप साइन करते हैं जब आप बाहर लंदन में अपार्टमेंट खरीदते हैं। मियां साहब नंबर वन, हमें वो लेटर की कॉपी दिखा दें। बताएं, अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने वाकई जो मियां साहब कहते हैं 2005 में वो फ्लैट लिए हैं, बेगम कुलसुम नवाज कहती है नहीं 95 में लिए हैं, इनके दो वजीर भी कहते हैं 95 में लिए हैं, एक लंदन की हाई कोर्ट का फैसला है 98 में कि ये चार फ्लैट शरीफ खानदान के थे जो उन्होंने कोर्ट की जजमेंट में अल तौफीक के केस में अटैच कर दिए थे इनके खिलाफ लोन डिफॉल्ट पे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मियां साहब आपने सच बोला असेंबली में तो हमें वो लेटर दिखा दें जो अपार्टमेंट्स में जब आपने अपार्टमेंट खरीदी थी सोलिसिटर का लेटर दिखा दे, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये बता दें, अच्छा ये मैंने कोई नाजायज बात तो नहीं की, क्योंकि जब इन्होंने मुझे कहा कि मेरी भी लंदन में अपार्टमेंट थी, मैंने उसकी पहले दिखाया कि खरीदी कब और फिर दिखाया बेची कब, मैंने इनको दोनों सर्टिफिकेट दिए स्पीकर असेंबली को, क्योंकि मुझे कोई चीज छुपाने की नहीं थी, मेरे हलाल के पैसा था इसलिए मुझे डर नहीं था। लेकिन मियां साहब आपसे एक ये डिमांड, दूसरी डिमांड, आपका पैसा किधर से आया जो अरबों रुपए की आपने अपार्टमेंट्स खरीदी, मुझे ये बताएं, ये मैं गलत बात कर रहा हूं क्या? ये मुल्क के वजीर आजम से हमारा हक नहीं पूछना? तीसरी चीज, हमें ये बताएं कि ये पैसा मुल्क से बाहर गया कैसे, कैसे बाहर गया? क्या ये आप बैंकों से लेके गए या आपने मनी लॉन्ड्रिंग की? और चौथी, कि क्या मियां साहब आपने इस पैसे पे जो अपार्टमेंट खरीदी थी टैक्स दिया था? मुझे पता है कि आपको इन चारों सवालों के जवाब पता है, आप सबको पता है, मियां साहब को भी पता है, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। इसलिए 5 महीने से जब हम उनसे सवाल पूछते हैं हमें तोता मैना की कहानी शुरू हो जाती है, वो शुरू होते हैं 1970 से, फिर किधर से किधर ले जाते हैं सीधी तरह चार जवाब। आप मियां साहब ये चार सवालों के जवाब दे दें, अगर आप ये नहीं देंगे मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि ईद के बाद हमारा रोग राइवेट होगा।